दोस्तों अर्लीवुड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से अपनी NBFC कंपनी यानी अपनी NBFC कंपनी अपनी लोन ऐप स्टार्ट करके आप लाखों करोड़ों अरबों रुपये कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमने क्या बताया आपको, अपनी NBFC कंपनी से आप क्या करेंगे, अपनी NBFC कंपनी स्टार्ट करेंगे, अपनी NBFC कंपनी बनाएंगे, ठीक है, उनसे लोन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा जो ब्याज मिलेगा उनसे आपकी कंपनी चलेगी और उनसे आपकी अर्निंग होगी और आप उनसे अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं और आपको मालूम है पैसा आप अर्निंग करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे अभी बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी NBFC कंपनीज हैं, लोन ऐप कंपनी हैं जो इसी तरह से अर्निंग करती है, अपनी कमाई करती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको प्रोसीजर बता देंगे, सारा चीज़ बता देंगे, आपको भी आपके अंदर भी थोड़ा सा हलचल मचेगा जो आप भी ये चीज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। हम बहुत सिंपल तरीका भी बता देंगे आपको सारा चीज़, और वो भी आपको ऑफिशियल तरीका, और आप सभी लोग ये काम कर सकते हैं लोन वाला काम। ठीक है, चलो ये देखिए, सबसे पहले आपको NBFC कंपनी स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले दो तीन चीज़ बता देते हैं हम आपको। एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी जो आप भारत सरकार से सबसे पहले लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, ज़्यादातर केस में लिमिटेड कंपनी ही रहती है। ठीक है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए ये देखिए हम सबसे पहले इधर सर्च कर देते हैं आपको, एक NBFC बनाने के लिए आपको एक कंपनी पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए MCA लाइव हम आपको आपके लिए सर्च कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमने आपको बताया दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। एक तो आपको RBI का लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा, RBI के साथ रजिस्ट्रेशन का, और उससे पहले ज़रूरत पड़ेगा आपको अपनी एक NBFC कंपनी बनाना यानी रजिस्टर करना। तो सबसे पहला आपको काम करना है आपको अपनी एक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है। तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे तो आपको कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लिमिटेड आप बनाओगे तो कम से कम सात लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। तो दो लोग से या सात लोग मिलके आप अपनी कंपनी बना सकते हो, यहाँ से आप बना सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप कंपनी का यहाँ पे देखिए चेक कंपनी डिटेल लिखा रहा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पर आ जाएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन, सब सारा डिटेल यहीं से होता है। ठीक है, ये सिग्नेटरी डिटेल, कंपनी कंप्लायंस, सभी कंपनी का डाटा यहीं से मेंटेन होता है। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, MCA पे आप चेक कर सकते हो सारा चीज़। दूसरा आता है जब आपकी कंपनी यहाँ से बन जाएगी, और कंपनी बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको RBI में अप्लाई करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले कुछ जान लो आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, NBFC कंपनी बनाने के लिए आपको कितना रुपया का जरूरत पड़ेगा आप ये जान लो। देखो RBI में रजिस्टर करोगे, RBI के साथ CORE यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लोगे, लाइसेंस लोगे, तो आपको आपके पास कम से कम 2 करोड़ रुपया होना चाहिए। ठीक है, अब कहेंगे सर हम तो छोटे आदमी हैं, हमारे पास 2 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। देखो जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपके साथ कम से कम 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 लोग कम से कम तो मिले ही होंगे। ठीक है, तो यदि आपके अंदर कुछ करने का तमन्ना है, कुछ करने की जिज्ञासा है, कुछ करना चाहते हो आप लाइफ में, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। और देखो कम से कम 2 करोड़ चाहिए, 1999 से पहले तक यदि आप बनाते थे तो आपको 25 लाख में स्टार्ट हो जाता। ये देखिए कम से कम आपको नेट ओन्ड फंड आपके पास, आपकी कंपनी के पास कम से कम 2 करोड़ रुपया होना चाहिए 1999 के बाद, यानी अभी आपके पास 2 करोड़ रुपया होना चाहिए और 25 लाख आपको 1999 तक। तो अभी का बात करेंगे 2 करोड़ रुपया, तो आप कम से कम 20, 25, 50, 100, 200, 300 लोग मिल के आप इकट्ठा करके आप एक NBFC कंपनी खोल सकते हो, और सभी लोगों को जो भी आपको आपके कंपनी में सहयोग किया है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ, सबको आप एक जिम्मेदारी दे सकते हो ताकि वो भी कुछ काम कर सके। ठीक है, अब जब आपके पास फंड आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, RBI में लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश करके और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लोगों को लोन देना स्टार्ट कर सकते हो आप अपना प्रोसेस बना के। अच्छा, दूसरा बात आती है जो MCA में रजिस्टर करोगे, यहाँ से कंपनी बनाओगे, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखो प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको कम से कम जो है
20-25 हज़ार रुपया खर्चा आएगा और हर साल आपको कंप्लायंस करने में आपको इतना ही 25-30 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। टोटल आप ये रख के चलो जो 50 हज़ार रुपया पर ईयर आपको कंपनी में कंपनी का जो लीगल कंप्लायंसेस होता है उसमें आएगा चलाने में कंपनी को, और दूसरा आएगा आपको NBFC से जो आपकी अर्निंग होगी, लोन जो दोगे आप उस पर आप एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दोगे ना आपको लोगों को, तो वहाँ से जो रेट ऑफ वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगी उनसे आपकी अर्निंग होगी। अब वो इंटरेस्ट कितना रखना है, क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, वो आप खुद से और आप जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, डायरेक्टर होगा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, सेक्रेटरी होगा, वो सब मिलके आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। और वो RBI का आपको मैनुअल भी मिलेगा, उसमें भी सारा चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपके पास ये सारा चीज़ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप RBI में अप्लाई करोगे और RBI का अप्लाई करने का यहाँ पे देखो लिंक भी दिया हुआ है, और ये देखिए ये लिंक हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ से आपको क्या करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड, और यदि आप फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आपको मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का जो क्या क्या चाहिए चेकलिस्ट, ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बेसिकली हमारा ये चीज़ बताने का मतलब ये था, जो आप भी NBFC कंपनी बना करके, आप भी अपनी NBFC कंपनी स्टार्ट करके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आप भी अपनी एक लोन ऐप कंपनी बना करके आप भी लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं वो ब्याज से, ठीक है। और सारा कुछ आपका होगा जब आपके अंदर कुछ करने का क्षमता होगा, कुछ कर सकते हो आप, आपके अंदर कुछ जिज्ञासा होगा करने का, सीखने का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट लॉस रिस्क भी रहता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इस चीज़ को झेल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको थोड़ा सा भी लगा होगा जो आपके अंदर आप भी ये सब काम कर सकते हो, बहुत आसानी है इसके लिए, देखो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए या आपको NBFC बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस चलाने के लिए आना चाहिए, यही इतना ही काफ़ी है। NBFC फाइनेंस कंपनी चलाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस आप इकट्ठा हो जाओ, पैसे वैसे इकट्ठा कर सकते हो आप, और इकट्ठा करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। यदि आपको कंपनी खोलना चाहते हो NBFC या किसी कोई और भी, तो और आपको कोई हेल्प चाहिए हम लोगों से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, और व्हाट्सअप के बाद हम लोग रिप्लाई करेंगे। वेबसाइट सब बनाना हो तो सारा चीज़ के लिए हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है।